हेलो एवरीवन, मैं दिव्या और आज मैं आप लोग के साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि आपका जो बेबी अगर लड़का है आपके गर्भ में तो आपको कितने महीने में बेबी जो है आपका हलचल करना स्टार्ट हो करता है लड़का, और लड़की कितने महीने में हलचल करना स्टार्ट करती है, और अगर आपके गर्भ में लड़का पल रहा है तो वो उसको किस साइड रहना ज़्यादा पसंद है, किस साइड रहना कम पसंद है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको ये सारी जानकारी देने वाली हूँ और आज मैं अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि कई सारे मुझे ऐसे कॉमेंट आते हैं इस चीज़ को लेकर कि मैम आपका बेबी जो था वो कब हलचल करना स्टार्ट किया था उसने और किस साइड ज़्यादा रहता था। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने सोचा चलिए आप लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। और यहाँ पे देखिए, ये वीडियो बनाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है लड़का या लड़की में भेदभाव करना। इस वीडियो में मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जो कि आप लोग का काफ़ी ज़्यादा सवाल होते हैं इस चीज़ को लेकर। तो आज आपके जितने भी सवाल हैं उनका सबका जवाब मिलने वाला है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, कई बार देखिए ऐसा होता है कि जो सिम्टम्स हमारे मैच हम बता रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है वो आपसे मैच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ इसलिए होती है, सब महिलाओं की बॉडी अलग होती है, हार्मोन बदलाव अलग अलग होते हैं, ठीक है। और प्रेगनेंसी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेम नहीं होती हैं, और कभी कभी सेम भी होती हैं तब भी वो चीज़ नहीं होती है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये आपसे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है तो आपको लड़का या लड़की ही होगी, ठीक है। वीडियो को गलत तरह से बिल्कुल भी मत देखिएगा। देखिए, जब भी प्रेगनेंसी हमारी लगती है ना, तो हमें शुरू में जब हमारे फर्स्ट बेबी होता है तो उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, और कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो शुरू में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चलता था, ना ही मुझे ये पता चलता कि बेबी जो है हलचल कर रहा है या नहीं कर रहा है या कब से हलचल करना स्टार्ट करेगा। लेकिन हाँ, जैसे जैसे मेरा दूसरा बेबी हुआ तो मुझे सारी चीज़ें पता चलने लगी कि मेरे बेबी ने हलचल ही की थी, वो जो थी जब पेट में मतलब कुछ हलचल होती थी, मूवमेंट सी होती थी, वो यानी कि बेबी हलचल करता था, तो वो चीज़ मुझे तब पता चली। तो ऐसे ही आप लोग के साथ होता है, जब आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो ऐसा भी होता है कभी कभी फर्स्ट प्रेगनेंसी में हलचल जो है वो कम महसूस होती है या फिर लेट महसूस होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ, जैसे कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो मुझे शुरू में तो पहले नहीं पता, लेकिन बाद में मुझे इस चीज़ों की नॉलेज हो गई, पता चल गया। तो मेरा क्या था कि जब मेरा पहली बेबी हुआ था तब मेरी बेटी हुई थी, और उस टाइम पे मुझे जो है तीसरे चौथे महीने से ही हलचल धीरे धीरे महसूस होने लगी। मतलब मुझे ये नहीं पता था कि ये बेबी हलचल कर रहा है, और शुरू में पहली प्रेगनेंसी में इतनी नॉलेज नहीं होती है, किसी को भी नहीं होती, तो मुझे भी ये चीज़ नहीं पता चल रहा था कि ये बेबी, बट हलचल पेट में कभी इधर हाथ पैर दिखते कभी इधर, तो पता धीरे धीरे इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया। तो मेरा तीसरे और चौथे महीने में मेरी बेटी ने जो है हलचल करना स्टार्ट कर दिया था। और इसके बाद जो है, जो आपका आप लोग का ये भी सवाल होता है कि आपके बच्चे में जो मतलब आपका हार्ट बीट जो है बच्चे के में कितनी थी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। और मेरे जब दूसरा मतलब मेरा लड़का हुआ था तो उसके में उसने हलचल करना कब स्टार्ट किया था, जैसे कि जब मेरा बेटा हुआ था तो उसके में हलचल जो है मुझे पाँचवें महीने में स्टार्ट हुई थी। अब कई लोगों का कहना ऐसा होता है कि पाँचवें महीने में होता है तो लड़का होता है, और तीसरे महीने में अगर बच्चा जो है मूवमेंट करना स्टार्ट करता है तो लड़की होती है। फ़िलहाल तो मुझे नहीं पता इसका क्या फल वो है, लेकिन हाँ, मुझे बेटे ने पाँचवें महीने में हलचल करना स्टार्ट किया था, और बेटी ने जो है वो तीसरे चौथे महीने में स्टार्ट कर दिया था हलचल करना। अब बात आती है कि बच्चा जो है लेफ्ट साइड रहता है तो लड़का होता है, राइट साइड होता है तो लड़की होती है। तो फिलहाल इस चीज़ को मैं ये बोलूँगी कि मेरा बच्चा जो था वो लेफ्ट राइट दोनों साइड रहता था। अब मैं यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न आपकी दूर करना चाहती हूँ, बेटा हो या फिर बेटी हो, ठीक है, बच्चा उसको जहाँ अच्छा लगेगा वो वहाँ रहेगा। जैसे कि हमारा घर होता है, हम पूरे घर में घूमते हैं, उसी तरह से पेट जो होता है वो बच्चे का घर होता है एक तरह से, ठीक है। 9 महीने तक बच्चा पेट के अंदर रहता है, तो पेट में वो कहीं पर भी घूम सकता है, इसका ये मतलब नहीं कि राइट या लेफ्ट ही रहेगा बच्चा, जहाँ उसको जगह मिलेगी, जहाँ उसको अच्छा लगेगा वो ज़्यादातर वहाँ पर रहेगा। लेकिन इससे आप इसका अनुमान बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं लगा सकते कि लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। तो मेरा फिलहाल ऐसा ही था कि मुझे मेरा बेबी जो था दोनों साइड रहता था, लेफ्ट भी और राइट भी। अब बात होती इस बात पे कि मतलब मेरा मुझे किस साइड करवट लेकर लेटना ज़्यादा पसंद था, इस चीज़ पे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, मैं लेफ़्ट और राइट दोनों साइड लेटती थी क्योंकि मुझे सीधे तो ज़्यादातर लेट ही नहीं मिलता था और सीधे लेटना भी नहीं चाहिए, उससे बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलती है। तो हमेशा लेफ़्ट करवट से ज़्यादातर लेटना चाहिए। फिलहाल मैं दोनों करवट से लेटती थी क्योंकि एक ही करवट से लेटना पॉसिबल नहीं होता था प्रेगनेंसी के दौरान। तो मैं लेफ़्ट राइट दोनों करवट से थोड़ी थोड़ी देर के लिए बदलती रहती थी, और मैं ऐसा नहीं कि एक ही साइड लेटती थी। और हार्ट बीट की बात करें तो देखिए, हार्ट बीट जो होती है एक, मैं यही बोलूँगी कि एक ये मिथ है, क्योंकि कई महिलाएँ जो हैं गर्भवती महिलाएँ हैं उनको लगता है, और जो हमारी बुज़ुर्ग महिलाएँ हैं वो बोलती हैं जैसे कि हार्ट बीट अगर 40 से नीचे है तो लड़का होगा, अगर 40 से ऊपर है तो लड़की होगी। बट मेरे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे बच्चे की जो हार्ट बीट थी उसकी बात की करी जाए तो देखिए, बच्चे की जो हार्ट बीट थी वो 40 से ऊपरी थी। मेरे सारे बच्चों में यही चीज़ थी कि 40 से ऊपर थी, और मेरे नंद की जो लड़का हुआ था उस टाइम पे उनकी जो बच्चे की हार्ट बीट थी पहले मतलब 134 से नीचे थी, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी प्रेगनेंसी बढ़ती गई और 7वें 8वें 9वें महीने तक जब उनकी प्रेगनेंसी पहुंची थी ना, तब उनको क्या हुआ था कि उनकी जो हार्ट बीट थी बच्चे की वो 175 से भी ऊपर हो गई थी, 173 175 इस तरह से हार्ट बीट जो है वो बढ़ती गई। मतलब शुरू में कम, फिर धीरे धीरे वो बढ़ती गई। तो मैं यही बोलूँगी कि उनको भी देखिए बेटे हुआ था, तो इसका ये मतलब नहीं कि 40 से ऊपर है तो लड़की होगी, 40 से नीचे है तो लड़का होगा, ये टोटली मिथ है। अब यहाँ पे आपको मैंने क्लियर कर ही दिया है कि मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कि नंद का भी ऐसा ही था, 40 से ऊपरी थी तो उनको देखो फिर भी लड़का हुआ। तो ये चीज़ जो है, आप ये सारी चीज़ें सोच के अपनी प्रेगनेंसी को ख़राब ना करें, इन सारी चीज़ों से अनुमान ना लगाएं, आप सिर्फ अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से इंजॉय करें। देखिए, ये भगवान का दिया हुआ एक तोहफा है आपके लिए, और 9 महीने बाद आपको पता चलने वाला ही है कि 9 महीने बाद आपको क्या होगा, लड़की होगी या लड़का होगा। ये सारी चीज़ें सोच के टेंशन लोगी आप, फिर उसको क्या होगा, टेंशन लेने से प्रेगनेंसी पे आपके कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, कोई भी दिक्कत हो सकती है। तो मेरा यही मानना है कि खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी खाइए, इंजॉय करिए अपनी लाइफ को, 9 महीने वेस्ट मत करिए, खुश रहना है आपको, ठीक है। बिल्कुल माइंड फ्रेश रखना है, बिल्कुल अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, जैसे कि बच्चे पे इसका पूरा असर देखने को मिलता है। और बस आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, इंजॉय करना है अपनी लाइफ को, बस जो भी होगा भगवान पे छोड़ दो, अच्छा ही होगा, ठीक है। आई होप कि आपके जितने भी डाउट थे ना वो क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो में कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।